इस साल भी बारिश नहीं हुई। घर में अन्न का दाना तक नहीं है। कब तक बच्चों का पेट पानी पिलाकर भरूं? माँ, भूख लगी है। बेटा, पापा आएंगे तब खाना बनाऊंगी। इतने पानी पी लो। घर में अन्न का दाना तक नहीं है। कब तक बच्चों का पेट पानी पिलाकर भरूंगी? लाला जी से कुछ और कर्जा लेकर आता हूं। अन्नदाता को राम राम। हाँ हाँ ठीक है, बताओ क्या काम है। मालिक, थोड़े और पैसे मिल जाते तो परिवार को पर पेट खाना खिला देता। तुम्हारे खेत तो पहले ही गिरवी रखे, अब और कर्जा गिरवी रखने के लिए क्या है तुम्हारे पास अब? बताओ। ईश्वर जब किसी को कठोरतम सजा देता है तो उसे किसान बनाता है। ये क्या हो गया? भाई, पड़ोस में मौत हो गई, उनका खाना देके आना है। बेटा, समाज का यही रिवाज है। आज कोई खाना लेकर नहीं आया। लगता है सारी मुसीबतों के लिए ईश्वर ने हमारा ही घर चुना है। मुन्ना, सो जा, ख्वाब में फरिश्ते आएंगे और खाना देकर जाएंगे।
माँ भाई कब मरेगा? मुन्नी ये क्या कह रही है तू? जुबान नहीं जलगी तेरी ये बोलने से पहले? ऐसा क्यों कहा तूने? जब भाई मरेगा तभी तो पड़ोसी कुछ दिनों के लिए खाना देने आएंगे। दोस्तों मैं प्रसन्न चौधरी एक समाज सेवी इस मूवी से कुछ जो मेरे मन में बात है मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं और जिन्हें मदद की हाल में ज़रूरत होती है और यदि उनको उस समय पर मदद मिल जाए तो हो सकता है उनका घर संसार उजड़ने से बच जाए। और ये बात सही है, यदि इस दुनिया में सबसे अच्छा कार्य करना है तो किसी के दिल में जगह बनानी है और उसकी दुआओं का हमें लाभ लेना है। साथियों इस मूवी को देखकर यदि आपको भी कुछ इच्छा जागृत हुई है तो इस पर कमेंट्स करें और मैं आशा करता हूं कि ऐसी मूवी आए दिन लोगों को प्रभावित करती रहे और आप उन्हें देखते रहें।